ये लड़की रो रही है। अरे ले पूरा एक किलो ने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है कलर हाँ तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और खाना बन चुका है और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। जिया का छुट्टी था तो जिया नीचे खेलने के लिए गई है और कल जिया रो रही थी। मैंने छोटा सा क्लिप लगाया है तो जिया रो रही थी क्योंकि उसका नाक छेदवाना है। तो कल मैं गई थी उसे लेके, लेकिन सुनार के पास ना नथिया नहीं थी और ना ही वो सोने की जो तार होती है तो वो भी नहीं था। तो वो बोला कि ठीक है भाभी कल लेकर आइएगा तो इसका छेद देंगे नाक। तो अभी हस्बैंड आएंगे तो जिया को लेके जाएंगे और सुबह से फिर से रोना पिटना मचाई हुई है, रो रही है। उसको डर लग रहा है कि हाँ नाक मेरा छेद आएगा। तो अब ये तो करना ही करना है, इसमें तो कोई चीज़ वो नहीं है। फिर बड़ी हो जाएगी ना तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा उसका नाक, तो और प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोच रही थी कि इसका ऊपर से थोड़ी सी ठंड भी आ गई तो मैं सोची कि चलो नाक छेदवा देते हैं। तो वही रोना पिटना मचाई है और नीचे खेल रही है। हस्बैंड आएंगे तो जाएंगे उसको लेके, और सही पूछिए तो उससे ज़्यादा डर मुझे है। हस्बैंड फ़ोन किए थे, बोले कि तुम भी तैयार हो जाओ साथ में चलें, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं तैयार तो हूँ जाने के लिए लेकिन मेरी जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि एक माँ का दिल ही समझ सकता है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ रोते हुए। तो कोशिश यही करेंगे कि हस्बैंड लेके चले जाएँ उसे। और ठंड आ रही है या जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आज ठंड बिल्कुल भी नहीं है, आज थोड़ी सी गर्मी गर्मी सी लग रही है। तो क्या पता क्या हो जाए, लेकिन ठंड आज बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं कि जिया के साथ मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। अगर मैं गई तो छोटा सा क्लिप ज़रूर बनाऊँगी कि वो कितना तेज़ रोती है, और नहीं गई तो फिर तो क्लिप नहीं बन पाएगी क्योंकि हस्बैंड जिया को संभालेंगे या वीडियो बनाएंगे। ये सब चीज़ ऐसा है ना कि उसमें बच्चे के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। तो चलिए फिर देखते हैं, बाद में मिलते हैं। तो हस्बैंड आ गए थे और जिया को लेके चले भी गए हैं, वो तो वो लेके चले गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी टेंशन हो रही है कि क्या हो रहा होगा। वैसे वो सुनार बोला था कि 5-10 मिनट का ही काम है, तो 5 मिनट हो गए हैं उन लोग को गए हुए। अब यहाँ बैठी हूँ तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे भी साथ में चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे बैठे टेंशन हो रही है कि वहाँ क्या हो रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। आएगी जिया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हुआ और नाक छिदाया भी या नहीं छिदाया, तो वो तो आने के बाद पता चलेगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है और हस्बैंड का भी लेट हो रहा है क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना है भी 5-10 मिनट में, क्योंकि सुनार बोला था कि 5-10 मिनट लगेगा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि जल्दी आ जाए, और हर आहट पे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आ गए। जब किसी का इंतज़ार करिए ना तो हर आहट पे, जैसे हर बाइक की आवाज़ पे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग आ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा उसका वेट कर रही हूँ। मैं यहीं खिड़की पर बैठी हूँ और उस पर बस निगाह लगाई हूँ कि वो आ जाए। तो चलिए आती है तो फिर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ उसको। तो जिया आ गई है। दिखाओ, सबको दिखाओ। ये देखिए जिया का नाक छेद आ गया। बहुत रो रही थी। दर्द हुआ था? दर्द तो हुआ था। अब अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो फिर दर्द कर रहा है? दर्द कर रहा है, अभी तो दर्द करेगा ही, एक दो दिन तो दर्द करेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। एकदम बढ़िया, एकदम मेरे ख्याल से एक दो दिन में आराम हो जाएगा बस। अल्लाह ये बहुत थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो पूरा हंगामा मचा देती है। अभी 2 दिन तक मेरा क्लास लगा रहेगा। कल जिया का छुट्टी है क्योंकि कल संडे है,
तो इसीलिए हम लोग सोचे थे कि फ्राइडे को ही नाक छिदवा देंगे, क्योंकि आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, तो 2 दिन उसको रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन कल नहीं हो पाया तो आज हो गया, तो चलिए ये अच्छा है कि चला गया और कल आराम कर सकती है, फिर मंडे से नॉर्मल स्कूल जा सकती है। तो अच्छी लग रही है जिया, जिया के पर अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो आप सबको बधाई और साथ में मुझे भी बधाई, मैंने बहुत मेहनत करी थी और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। जब मैं सो के उठी ना, क्योंकि जिया का उसको दर्द हो रहा था, तो उसको लेके हम लोग सो गए थे, और जब उठे तो मैंने देखा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इतना जितना मैं खुश हूँ, जितना मुझे खुशी हुआ ना पहले चैनल पे, जबकि 1000 सब्सक्राइबर 2000 हो गए, तो इतनी खुशी मुझे नहीं थी जितनी कि मुझे अभी 100 सब्सक्राइबर में मुझे इतनी खुशी हो गई। तो टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है, 5:30 हो गया है और हस्बैंड आने वाले हैं। मैंने उनको पहले ही बता दिया, स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने, और मैंने उनको बताया सबसे पहले कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो बधाई दिए। वो खुश हुए कि चलो ठीक है, तुम्हारी शुरुआत हो गई, वाकई मेरी शुरुआत हो गई, एक सीढ़ी मैं ऊपर चढ़ गई और आप लोगों का साथ रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये सब जो भी है अब वो आप लोगों का प्यार और तुम सपोर्ट ही है। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बस बनाए रखिएगा। ये जो फैमिली इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगी, लेकिन बस ये आप लोगों का प्यार ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, तो बस आप लोगों को थैंक यू ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी है ये आप लोगों का है, ये खुशी आप लोगों की है। तो बहुत मैं खुश हूँ। आज बच्चे तो बस यही कह रहे हैं, मम्मी आज पार्टी, और केक मंगाते हैं। तो अब 100 सब्सक्राइबर के लिए केक, तो खुशी तो बहुत है। तो मैं बोली हूँ बच्चों से कि ठीक है, मैं आज खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक केक जरूर मंगाऊंगी। तो देखिए क्या होता है, केक मंगाते भी हैं या नहीं मंगाते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो मैं अभी आप लोगों से बता रही थी कि केक के लिए, और देखिए जिया केक लेके आ भी गई है। जिया केक दिखाओ, अभी हस्बैंड ऑफिस से आए ना, तो केक लेते हुए आए हैं, और ये आया है धोबी के यहाँ से, कपड़ा प्रेस करने के लिए दिए थे। केक आ गया, ये आप लोगों का ही है, आप लोगों का ही रहेगा हमेशा। बस खाएंगे हम लोग, आप लोग बस देखते रहिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तो मैं इसे अंदर रख देती हूँ, उसके बाद फिर साथ में केक काटेंगे। पापा कहाँ गए बेटा? थोड़ा सा निकाल दीजिए, थोड़ा सा निकाल दीजिए, नजर नजर लगा होगा ना वहां पे, खूब सारे लोग। किसका नजर लगा होगा बेटा? मैंने ये ना अमेजोन से मंगाया है बैग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे इसमें से पता चल रहा है, तो मैं हस्बैंड के सारे इसी में रखती हूँ। ये शर्ट का है और पैंट का अलग है। यूनिफॉर्म आ गया है, ये पहले था, ये हस्बैंड पहले पहन के जाते थे, और अब इसका कलर चेंज हो गया है ये, और इसका ये पैंट हो गया है। पैंट का कलर भी चेंज हो अब की बार कलर अच्छा मिला है, क्योंकि ना क्योंकि
पहले ये लाइट कलर में था तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जा रहा था। और मेरे हस्बैंड ऑपरेटर हैं तो ऑयलिंग का काम करते हैं, देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल गिर जाता है शर्ट पे और उसका दाग ना छूटता नहीं है कभी भी। तो अब मेरे लिए बेटर रहा, तो अब डार्क कलर है तो कम गंदा होगा। और बैग थोड़ा सा कम पड़ गया, शर्ट उसमें नहीं अट रही है। और इसमें सिर्फ हस्बैंड की शर्ट नहीं है, जीशू की भी शर्ट है, तो मैं जीशू के बैग में जाके रखूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि सामान अच्छे से रख जाता है। और मेरे हस्बैंड ना एक शर्ट निकालते हैं और चार शर्ट ख़राब कर देते हैं, तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब बैग ही सारा सीधे निकालेंगे। और इसमें ना दिखता रहता है तो कि क्या है, शर्ट का बैग है या पैंट का बैग है, तो ये दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर रख लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैंने सारा इनका पैंट शर्ट सब बैग में रख दिया है। और देखिए कितना अच्छा अरेंज हुआ है, ये है हस्बैंड का और ये एरिया मेरा है। अब मुझे एक भी बैग नहीं मिला है तो मैं इसी में काम चला लेती हूँ। और ये जो ऊपर वाला है, देखिए मुझे साफ यहाँ से दिख रहा है कि इसमें मेरे हस्बैंड का कुर्ता पजामा रखा हुआ है। जितने भी कुर्ते पजामे हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और इसमें इनका जैकेट है, जैकेट ब्लेजर कोट सब इसमें मैंने रख दिया है। तो अगर इनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो एक बैग निकालेंगे और इनको सब सामान मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने दो इनकी टी शर्ट है वो रखी है और यहाँ पे सॉक्स है। तो अगर इनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो सब कुछ सामने सामने मिल जाएगा। और मैं अगर नीचे आती हूँ तो ये है शर्ट का बैग जिसमें बस लाइन से शर्ट है तो यहीं से दिख रहा है तो वो ले लेंगे। और नीचे ये पैंट का है। और ये जो साइड में देख रहे हैं ये टोपी मैंने रख दी है, इनकी दो टोपी है, मैंने दोनों टोपी यहाँ सामने रख दी है कि अगर इनको ज़रूरत होगी तो वो ले सकते हैं। और ये नई शर्ट है, अभी तक इन्होंने खोला नहीं है, ये नई शर्ट है तो ये मैंने इधर साइड में रख दिया है। बाकी इधर का ये मेरा एरिया है। और ये जो हमेशा खो जाता है मेरे हस्बैंड का टाई, तो ये यहाँ पर मैंने रख दिया ताकि इनको मिल सके। तो देखिए मैंने कर लिया अरेंज। और इधर साइड में आएंगी तो ये है सब दुपट्टे एक जगह है, तो मुझे जब दुपट्टों की ज़रूरत होती है तो वो मिल जाती है इजी। और मैं नीचे नहीं आऊँगी क्योंकि नीचे का अभी ठीक से अरेंज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो पहले देखिए, अच्छा मैं दिखाई देती हूँ, पहले हम लोग के ऐसे थे तो बैग अब कम पड़ गए हैं, जितने भी बैग थे तो मैंने रख लिया है। तो ये है हाल, ये पहले हाल था और अब ये अलमारी का हाल है। तो बैग मुझे बहुत अच्छे लगे और सही है। तो अब कटने जा रहा है केक, वो भी 100 सब्सक्राइबर के लिए, ये आप लोग के लिए है जो केक कटने जा रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं कि चलो इसी बहाने केक खाने को मिल रहा है। मेहनत की है हम, केक ये लोग खाएंगे। तो चलिए आप लोग के साथ चलो, हाँ जी हाथ लगा, चलिए आप भी हाथ लगाइए। अरे देखा, हाँ चलिए, ताली कौन बजाएगा, ताली आप लोग बजाइए। और हैप्पी विशेस 100 सब्सक्राइबर्स। पहले इन लोग का, पहले ये आप लोग के लिए, हाँ फिर मेरे लिए, फिर बच्चों के लिए, ये मेरी बेटी के लिए, बेटी के ये क्रीम वाला ज्यादा खाती है, बेटी के पापा के लिए। आज जो भी हैं हम मेरे हस्बैंड की वजह से हैं तो इनका साथ बहुत जरूरी था और दिए, तो इनके लिए बड़ा सा केक। हर वाइफ के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ होता है, ये तो पहले जमाने का बात था कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ था, अब आदमी का हाथ है। कहते सर तो आलू उबल गया है और बैगन और टमाटर अभी भुन रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए, सब लोग केक खा चुके हैं
तो हस्बैंड बोले अब चाय पियेंगे, तो अब चाय पीने का टाइम है। रात का भी 8:30 हो रहा है, 8:30 बजे चाय बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है और साथ में ही बैंगन और टमाटर को मैं भून रही हूँ, क्योंकि आज बन रहा है लिट्टी चोखा। क्योंकि इतना अच्छा खुशी का दिन है तो लिट्टी चोखा तो बनना ही चाहिए। तो यहाँ मैं ले ली हूँ सत्तू, और सत्तू के अंदर मैं मिर्चे का अचार डाल दी हूँ, उसका जो मसाला होता है वो डाला है मैंने, और अजवाइन और मंगरेल डाल दिया है। और अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, और मैं ये जो बना रही हूँ ना, ये लिट्टी के अंदर भरने वाला बना रहे हैं, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और इसका मेन चीज़ है वो काटने पीटने वाला, तो वो मैं बैठ के सारा काट ली थी, और अब मैं ढूंढ रही हूँ चाकू, क्योंकि यही है जो जल्दी मिलता नहीं है और रोज़ खो जाता है। तो यहाँ मैं हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ, मैंने वो उस समय जो सब कुछ कट किया था उसमें मैंने हरी मिर्च कट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं तो, और ये जो अंदर का जो भरा हुआ मसाला होता है बच्चे वो भी नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। और अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज को महीन चॉप कर लिया है, और लहसुन और अदरक ये भी मैं इसमें डाल दी हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी, और इधर मैं ये भरने की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने बैंगन और आलू सब अंदर दे दिया है, और हस्बैंड बना रहे हैं चोखा, जिया सब सामान ले जाके दे रही है और वो बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिट्टी बना रही हूँ। अब मैं इसे भर के और फटाफट छान दूँगी, मैंने पहले ही कढ़ाई चढ़ा दिया था तो तेल गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें भर भर के जल्दी जल्दी डालती जाऊंगी, और एक साथ में ही सारा फ्राई हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गरम है, बड़ी है, और तेल भी गरम है, तो फटाफट हो जाएगा। और अभी मैंने आँच तेज़ रखा है, क्योंकि जब मैं डालूंगी तो इसकी आँच कम कर दूंगी, तो लिट्टी को हमेशा कम आँच पे सेकिएगा, नहीं तो वो ऊपर से तो पक जाता है और अंदर से उसका आटा ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा लगता है, तो बच्चों के पेट भी दर्द हो सकते हैं, तो इसे कम आँच पे सेकिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो घर पे तो हम, मेरे घर पे जब इतने सारे लोग रहते हैं ना, तो वो पानी में उसको बॉईल कर देती हैं और हाफ़ बॉईल करती हैं, उसके बाद फिर उसको पंखे के नीचे सुखा के और फिर छानते हैं ना, तो अंदर से पक जाता है और तेल भी कम लगता है। तो यहाँ मेरा देखिए कि सारा लिट्टी छना रहा है, और 2-3 आप देखेंगे कि अच्छे से फ्राई हो गया, जो मैंने फर्स्ट में स्टार्ट में डाले थे तो वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और बाकी जो लास्ट में है तो वो थोड़े से धीमे धीमे से पकेंगे। तो अच्छा है, यहाँ पे जिया सबको ना खाना लगा रही है, प्लेट वोट रख रही है, तो मैं 1-2 लिट्टी निकालती जाऊँगी और गर्म गर्म लोग खाते जाएंगे, तो ये लोग खा लेंगे और मैं सबसे बाद में खाना खाती हूँ। तो यहाँ बन के तैयार हो गया, तो सब लोग खाना खा चुके हैं और हम अपना खाना लेके बैठे हैं, लिट्टी चोखा। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, और तो आज का वीडियो हम यहीं पर इसी लिट्टी चोखे के साथ एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।